फुल कोर्स के लिए डाउनलोड करें वेलोसिटी एजुकेशन ऐप। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेलोसिटी एजुकेशन ऐप में। मैं हूँ रितु साहू। कल हमने जो CDP की क्लास में, पिछली जो क्लास में हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, एकीकरण का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत और उससे रिलेटेड जो बहुत सारे सिद्धांत थे उसके बारे में हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे पुनर्बलन सिद्धांत, ठीक है। ये भी विकास के सिद्धांत से संबंधित है, पुनर्बलन सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है। इस सिद्धांत को आइए समझते हैं। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, हमको नाम याद करना बहुत ज़रूरी है कि इसके प्रतिपादक कौन है। इसके जो प्रतिपादक हैं वह हैं डोलार्ड व और मिलर, ठीक है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इसके प्रतिपादक कौन है, डोलार्ड और मिलर, जॉन डोलार्ड एंड नील मिलर। इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पुनर्बलन सिद्धांत में क्या दिया है उसको हम देखते हैं। इसमें क्या है, देखिए, इनके अनुसार बच्चों का जैसे जैसे विकास होता है, इनके अनुसार बच्चों का जैसे जैसे विकास होता है, वह अधिगम यानी सीखना, अधिगम यानी होता है लर्निंग, ठीक है। वह अधिगम यानी लर्निंग, जो लर्निंग जो उसकी होती है वह सीखना शुरू कर देता है। इन्होंने बाल्यावस्था के अनुभवों को वयस्क व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में स्वीकार किया है। देखिए, जो अपने जो पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं डोलार्ड और मिलर, इन्होंने क्या किया है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं उनका विकास जैसे जैसे उनका विकास होते जाता है, ठीक है, शैशवावस्था, फिर शैशवावस्था से बाल्यावस्था में बढ़ जाते हैं, बाल्यावस्था से फिर वो किशोरावस्था में बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे उनका विकास होते जाता है वो क्या करते हैं, सीखते जाते हैं चीज़ों को, ठीक है। शैशवावस्था में भी जब वो देखिएगा छोटे होते हैं, धीरे से बहुत सारी चीज़ों को सीखते रहते हैं, ये आपने देखा होगा, तो वो सीखते जाते हैं चीज़ों को। तो इनको, इनके अनुसार क्या, इन्होंने कहा कि जो बाल्यावस्था के जो अनुभव होते हैं वो उनको, जब बच्चे वयस्क हो जाते हैं, ठीक है, एडल्ट हो जाते हैं, तो जो बाल्यावस्था के जो अनुभव होते हैं वयस्क व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में स्वीकार किया जाता है। बाल्यावस्था में बच्चे का जो स्वभाव होता है वही चीज़ आप वयस्क जो एडल्ट बच्चे हैं उनमें भी आप देखेंगे, तो वो क्या होता है, एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उसको स्वीकार किया गया है। आगे क्या है, इन्होंने अचेतन कारकों के अतिरिक्त चिंता और अधिगमित भय को व्यक्तिगत गतिशीलता में बहुत अधिक महत्व दिया है। देखिए, अचेतन यानी अनकॉन्शियस फैक्टर, जो अनकॉन्शियस फैक्टर के अतिरिक्त क्या है, चिंता, स्ट्रेस, ठीक, और अधिगमित भय, मतलब भय यानी डर, जो डर है उसको व्यक्तिगत गतिशीलता में बहुत अधिक महत्व दिया है। क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं बाल्यावस्था में क्या होता है उनको, बाल्यावस्था नहीं, किशोरावस्था से क्या होता है उनको चीज़ों के लिए डर लगना शुरू हो जाता है, चिंता होना शुरू हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो उसमें एक व्यक्तिगत गतिशीलता उनके विकास में एक महत्व रखता है। आगे इसके अनुसार क्या है, इनके अनुसार भोजन पानी ऑक्सीजन और ताप कुछ अर्जित आवश्यकताएँ हैं, ठीक है। इसमें क्या है, किसी भी मनुष्य के लिए, ठीक है, किसी भी मनुष्य के लिए भोजन पानी ऑक्सीजन और ताप ऐसा अर्जित आवश्यकता है, वो उनको चाहिए ही चाहिए, जिंदा रहने के लिए चाहिए, परंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्जित व्यवहार पूर्णतः पर्याप्त नहीं होता है। क्या होता है, देखिए, जब बच्चा, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया है, बालक पूर्णतः पर्याप्त नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, आइए देखते हैं। इसमें अतः बालक को जटिल, अधिक जटिल व्यवहार का अधिगम इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना होता है। उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण के लिए जो नवजात शिशु है, ठीक है, जो नवजात शिशु है वो शुरू में क्या करता है, स्तनपान से संबंधित उसको अर्जित व्यवहार सीखना पड़ता है, बट वो जो व्यवहार सीखता है वो उसके लिए ज़्यादा समय तक नहीं होता, ठीक है। अर्जित व्यवहार उसकी भोजन की आवश्यकता के लिए अधिक समय तक पर्याप्त नहीं होता, जैसे ही वह कुछ मंथ्स उसके कंप्लीट होते हैं, इसके बाद उसको क्या, उसको ज़्यादा भूख लगने लगती है, तो उसको ज़्यादा आहार चाहिए, तो वो जो उसने स्तनपान के थ्रू सीखा है, ठीक है, फीडिंग के थ्रू जो उसको मिलता है वो पर्याप्त नहीं होता है, तो अब उसको क्या होता है, चीज़ों को खाने का भी सीखना होता है, तो उसे, तो उसको क्या, भूख की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए उसे कुछ अधिक स्तनपान के जटिल व्यवहारों को सीखना पड़ता है, ठीक है, अधिक उसको फीडिंग का चीज़ सीखना पड़ता है। ये इसका एक एग्जांपल है, जैसे आपने देखा ही होगा बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं, फीडिंग का अगर एग्जांपल हम हटा दें, तो बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, उनको माँ के द्वारा या जो भी छोटे बच्चे माँ के द्वारा या दादी के द्वारा खिला दिया जाता है, बट जैसे वो बड़े होते हैं उनको खुद खाना सीखना होता है, तो ये उन्होंने कहा है कि जो उनका जो व्यवहार है, ठीक है, जो उनको भोजन पानी ऑक्सीजन और ताप जैसी कुछ आवश्यकता है उसके लिए उनको क्या है, अधिक जटिल व्यवहार का अधिगम यानी सीखना पड़ता है। आगे क्या है, इसके अनुसार अधिगम की चार महत्वपूर्ण अवयव हैं,
ये अव्यव हमको याद रखने हैं। फर्स्ट है अंतर्नोद, इसको कहा जाता है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, ठीक, ये आपको हिंदी में ही याद रखना अंतर्नोद। दूसरा है संकेत, उद्दीपक। तीसरा है प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर में क्या होगा आपका, स्वयं का व्यवहार होगा। तथा चौथा है पुनर्बलन, पुरस्कार। ये हो गया आपका जो लर्निंग के ये चार अवयव है, चार फैक्टर है, कैसे वो चीज़ों को सीखता है, खुद के मोटिवेशन से या कोई मोटिवेट कर दिया तो, ठीक है, संकेत से कोई संकेत कर रहा है या कुछ हुआ तो वो सीखेगा, प्रत्युत्तर उसमें स्वयं का क्या व्यवहार है ये भी डिपेंड करता है, पुनर्बलन अगर उसको कुछ पुरस्कार मिल रहा है तो भी वह सीखता है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग, ठीक है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बंदूरा और वॉल्टर्स, ये इनका नाम है मनोवैज्ञानिकों का, बंदूरा एंड वॉल्टर्स। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, पिछला जो मैंने पढ़ाया था अभी पुनर्बलन का सिद्धांत, उसके भी प्रतिपादक का आपको नाम याद रखना है, ने सामाजिक अधिगम के महत्व की, बंदूरा एंड वॉल्टर्स ने सामाजिक अधिगम के महत्व की पुष्टि अनेक प्रयोगात्मक ने अनेक अनेक प्रयोगात्मक अनेक प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर किया है, ठीक है। बंदूरा ने एक प्रयोग में बच्चों को एक फिल्म दिखाई जिसमें एक वयस्क व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित किया गया है। फिल्म के तीन भाग थे, प्रत्येक बच्चे को केवल एक ही प्रकार की फिल्म दिखाई गई। मैं इसको समझाती हूँ, देखिए इसमें क्या है, बंदूरा और वॉल्टर्स है, ठीक है, बंदूरा वॉल्टर्स है, उन्होंने क्या किया है, बच्चों पर प्रयोग किया है, सामाजिक अधिगम के महत्व को पुष्टि देने के लिए किया है, प्रयोग किया है, क्या प्रयोग किया है इन्होंने कि उन्होंने बच्चों को प्रयोग में क्या किया है, बच्चों को एक फिल्म दिखाई है। फिल्म में क्या है, एक जो एडल्ट व्यक्ति है, एक वयस्क व्यक्ति है, उसके वो अपने व्यवहार को कैसे प्रदर्शित कर रहा है उसके बारे में दिखाया गया है। तो फिल्म के तीन भाग थे, ठीक है, फिल्म को तीन भाग में दिखाया गया है, तो प्रत्येक बच्चे को केवल एक प्रकार की फिल्म दिखाई गई। तो उसमें क्या हुआ, पहली फिल्म में हीरो क्या था, आक्रामक, हिंसक, और उसका हिंसक व्यवहार प्रदर्शित करता है, और उसे इस व्यवहार के लिए क्या कहता है, उसको दंड दिया जाता है, क्या किया जाता है उसको, इस व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है। देखिए आक्रामक व्यवहार और इस व्यवहार के लिए उसको दंड दिया जाता है। दूसरी फिल्म में क्या था, जो हीरो है, ठीक है, आक्रामक व्यवहार करता है, उसको इसके लिए क्या जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। तीसरी फिल्म में आक्रामक व्यवहार और हीरो को ना तो पुरस्कृत किया जाता है और ना ही दंडित किया जाता है। तो जब फिल्म प्रत्येक बच्चे को दिखाने के बाद उन्होंने प्रत्येक बच्चे को उन्हीं परिस्थितियों में रखा, ठीक है, जो इस फिल्म में दिखाया गया परिस्थितियाँ था उसी परिस्थितियों में रखा। तो उस फिल्म जो जिन परिस्थितियों से संबंधित था उनको दिखाया गया था, तो अब इसमें आगे क्या हुआ, इन परिस्थितियों में रखकर बच्चों के व्यवहार का क्या किया उन्होंने, निरीक्षण किया। तो वो उन्होंने यह देखा और पाया, क्या पाया, कि बच्चों ने उस व्यवहार का अनुकरण अपेक्षाकृत कम किया जो हीरो के आक्रामक व्यवहार और दंड से संबंधित था। तो जो पहली फिल्म थी उसका अनुकरण क्या किया है उन्होंने, बच्चों ने कम किया। अर्थात सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में विकास केवल वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व दिया गया है, वंशानुक्रम कारकों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। इसमें जो अपने जो प्रतिपादक हैं बंदूरा और वॉल्टर्स, तो बंदूरा का क्या कहना है, इन्होंने जो इन दोनों का क्या कहना है कि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है इसमें सिर्फ व्यवहार को प्रभावित करने के लिए वातावरण संबंधी कारक ही उसको उन्हीं को महत्व दिया गया, वंशानुक्रम का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इसमें है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में। नेक्स्ट है आपका ब्रोनबेनफेंडर का सिद्धांत है, ब्रोनबेनफेंडर का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से। ब्रोनबेनफेंडर का इकोलॉजिकल थ्योरी, इसमें क्या है, इनका पूरा नाम क्या है, यूरी ब्रोनबेनफेंडर, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, यूरी ब्रोनबेनफेंडर, यूरी ब्रोनबेनफेंडर, इन्होंने क्या किया है, बालक के विकास की व्याख्या के लिए इन्होंने बालक की विकास की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत का निर्माण किया है। वो सिद्धांत क्या है,
देखिए, जिसे कि क्या सिद्धांत कहा गया है, पारिस्थितिकी परक सिद्धांत कहा गया है। अगर पूछा जाए कि पारिस्थितिकी परक सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है, ब्रोनबेन फेनर ने। ठीक है, ये किससे संबंधित है, बालक के विकास से संबंधित सिद्धांत है। इस सिद्धांत में बालक के विकास की व्याख्या सामाजिक संदर्भ में की गई है। किसमें की गई है, बालक के विकास की व्याख्या सामाजिक संदर्भ में की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक संबंधों के एक जटिल तंत्र, ठीक है, बालक संबंधों के एक जटिल तंत्र जो उनके आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है में विकसित होते हैं। इस सिद्धांत को जैव पारिस्थितिकी परक मॉडल की संज्ञा दी गई है। तो इस सिद्धांत को क्या संज्ञा दी गई, जैव पारिस्थितिकी परक मॉडल की संज्ञा। एक जटिल तंत्र क्या है, आसपास के वातावरण, इसके बारे में अभी आगे वो बताएंगे। ब्रॉन फेन बेंडर ने के इस पारिस्थितिकी परक सिद्धांत के अनुसार पर्यावरणीय तल के 5 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, 5 स्तर, जिसको हमको आगे पढ़ना है। जो घनिष्ठ अंतर्वैयक्तिक, जो घनिष्ठ अंतर्वैयक्तिक अंतःक्रिया, ठीक है, जो घनिष्ठ अंतर्वैयक्तिक अंतःक्रिया से लेकर समाज या संस्कृति के विभिन्न प्रभाव तक विस्तारित होते हैं। इन तंत्रों का इन्होंने वर्णन किया है। कितने तंत्र हैं टोटल, 5 तंत्र हैं। कितने हैं, 5 तंत्र हैं। ठीक है, क्या क्या तंत्र हैं वो देखते हैं हम। क्या है, पहला है लघुमंडल। क्या है अपना पहला, लघुमंडल। लघुमंडल यानी माइक्रोसिस्टम, ठीक है, इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा, लघुमंडल माइक्रोसिस्टम। यह क्या है, सामाजिक वातावरण है उसका क्या है, सबसे भीतरी स्तर है, जिसको हम क्या कहेंगे, लघुमंडल कहेंगे। लघुमंडल में बालक के निकटतम वातावरण द्वारा किए गए, लघुमंडल में क्या आएगा आपका, बालक के निकटतम वातावरण द्वारा किए गए अंतःक्रिया। अंतःक्रिया यानी इंटरैक्ट होना, एक दूसरे से बात करना या जो भी उनसे सीखना, ये सारी चीज़ें अंतःक्रिया पैटर्न एवं क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है, लघुमंडल में सम्मिलित होती हैं। इस मंडल में क्या कहते हैं, बालक का परिवार, साथी संगी, स्कूल तथा पास पड़ोस आदि सम्मिलित होते हैं। इस स्तर पर छात्र, माता पिता, शिक्षक, साथी संगी तथा अन्य के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो लघुमंडल में जो आता है, क्या होता है, बालक का परिवार होता है, संगी साथी उसके होते हैं, उसका स्कूल होता है, उसके पास पड़ोस, ये सब उसके क्या होता है, लघुमंडल के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या, वह उनसे अंतःक्रिया यानी इंटरेक्ट होता है। तो यह क्या होता है, ये इसका जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, द्विदिशात्मक होता है। इसको याद रखिएगा कि इसका स्वरूप क्या होता है, इसका स्वरूप होता है द्विदिशात्मक। ठीक है, अर्थात माता पिता शिक्षक साथी संगी पास पड़ोस से तो वे प्रभावित होते ही हैं, साथ ही साथ वो अपने विशेष गुणों, शारीरिक गुणों से, व्यक्तित्व एवं क्षमताओं से उन्हें भी प्रभावित करते हैं। यदि इस तरह की पारस्परिक अंतःक्रिया लंबे समय तक चलती है तो इसमें बालकों को सामाजिक सांवेगिक विकास काफ़ी हद तक एक विशेष दिशा की ओर मुड़कर विकसित होता है। देखिए, इन्होंने क्या समझाया है इसमें, लघुमंडल में क्या आता है, यह सबसे भीतरी स्तर है। भीतरी स्तर मतलब जो बालक जहाँ जन्म हुआ उसका, ठीक है, बालक जहाँ जन्म हुआ तो वो उसका परिवार, उसके आसपास के फ्रेंड सर्कल, स्कूल और उसके पास पड़ोसी जो है, ठीक है, वो क्या होंगे, इसमें सम्मिलित होंगे। इसमें क्या होगा, यह जो उसके साथ जो बच्चा इंटरेक्ट होगा, उसके साथ जो बच्चा इंटरेक्ट करेगा तो उनसे वह सीखेगा, कुछ बच्चे से भी वो सीखेंगे और कुछ वो उनसे सीखेंगे। तो कैसे प्रभावित होगा बच्चा उनसे प्रभावित होगा, उनके बात करके या उनके शारीरिक गुणों से, उनकी व्यक्तित्व जो क्षमताएं हैं उनको देखकर प्रभावित होगा। ठीक, और उसमें क्या होगा, अगर इन्होंने क्या कहा है कि अगर बच्चा लंबे पारस्परिक लंबे, मतलब इसमें जो है बच्चा लंबे समय तक उन्हीं लघुमंडल में अंतर लंबे समय तक ये क्रिया चलती है। ठीक है, पारस्परिक जो अंतःक्रिया ये लंबे समय तक चलती है, तो बालक का जो सामाजिक सांवेगिक विकास है, सांवेगिक यानी जो इमोशनल, ठीक है, इमोशनल जो डेवलपमेंट है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, वो काफ़ी हद तक एक विशेष दिशा में मुड़कर विकसित होता है। ये आपने देखा होगा कि हमारे जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो हमको बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मध्यमंडल। क्या है, मध्यमंडल, मीसो सिस्टम क्या है, यह मॉडल का दूसरा स्तर है। लघुमंडल क्या था, पहला स्तर था। जो लघुमंडल के विभिन्न कारकों या तत्वों यथा परिवार, पास पड़ोस, साथी संगी एवं स्कूल के आपसी संबंधों से बना होता है। किससे बना होता है, ये जो मध्यमंडल के जो कारक है वही इसमें भी आएंगे, लेकिन यह कैसे उसको इफेक्ट करेगा उस पर देखते हैं। जैसे बालकों की पारिवारिक अनुभूतियाँ क्या होंगी, बालकों की पारिवारिक अनुभूतियाँ स्कूली अनुभूतियों में तथा पारिवारिक अनुभूतियों एवं साथी संगी के अनुभूतियों में संबंध मध्यमंडल के उदाहरण हैं। क्या क्या, ये सारे क्या है, उदाहरण है कि बच्चों को क्या अनुभूतियाँ हो रही, पारिवारिक क्या अनुभूतियाँ हैं, स्कूली क्या अनुभूतियाँ हैं, दोस्तों के साथ, संगी साथियों के साथ, मतलब ये जो उनकी अनुभूतियाँ होंगी ये मध्यमंडल के उनके उदाहरण हो जाएंगे। उससे पहले क्या था, जो इंटरेक्शन था उनके बीच वह उसका उदाहरण था। देखिए, इस पे जो एक अपने मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, उनका नाम है इपिस्टन। क्या नाम है, इपिस्टन।
ने इस सिलसिले में एक अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया है, किस पे किया, ये देखते हैं। जिसमें उन्होंने आठवीं कक्षा, ठीक है, क्लास एट्थ के जो बच्चे हैं, 1000 छात्रों पर, इतने 1000 छात्रों पर पारिवारिक तथा कक्षा में शिक्षक एवं अपने संगी साथी का उनकी मनोवृत्ति तथा उपलब्धि पर पड़ने वाले संयुक्त प्रभावों का विश्लेषण किया गया कि वो किस पारिवारिक माहौल में है, उनके क्लास टीचर का कैसा इफेक्ट पड़ता है, उनके जो फ्रेंड सर्कल है उनका कैसा इफेक्ट पड़, उनके मनोवृत्ति यानी माइंड पर कैसा इफेक्ट पड़ता है, उनकी उपलब्धि पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब चीज़ों का संयुक्त रूप से उन्होंने क्या किया है, विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है। और परिणाम में पाया कि जिन छात्रों को स्कूल में पर्याप्त अंतःक्रिया करने तथा निर्णयन का अवसर दिया गया है, क्या मिला है, स्कूल में प्राप्त अंतःक्रिया करने तथा निर्णयन का अवसर दिया गया है, उनमें पहल करने की शक्ति तथा उत्तम उपलब्धि स्तर प्राप्त करने की उन्मुखता अधिक होती है। स्कूल में जिस बच्चे को प्राप्त इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है, निर्णयन का भी अवसर दिया गया है, तो उसके अंदर पहले किसी चीज़ को पहल करने की शक्ति और उपलब्धि, उसकी उपलब्धि का क्या होगा, उत्तम स्तर होगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बाह्य मंडल, एग्जोसिस्टम। ये कैसा है, बाह्य मंडल क्या होगा, तीसरा स्तर हो जाएगा। क्या होगा, ये तीसरा स्तर हो जाएगा। बाह्य मंडल वैसे सामाजिक संदर्भ सोशल सेटिंग से बना होता है जिनमें बालक स्वयं तो नहीं होता। इसमें क्या होता है, बालक स्वयं नहीं होता। तो आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है, निम्न में से किस सिस्टम में या किस मंडल में बालक स्वयं उपस्थित नहीं होता। आपको चार ऑप्शन देगा, उसमें एक सही ऑप्शन होगा। ठीक, तो उसका क्या सही ऑप्शन आंसर है, बाह्य मंडल, जिनमें बालक स्वयं तो उपस्थित नहीं होता, उनके निकट संदर्भ की अनुभूतियों को प्रभावित करता है। क्या क्या होते हैं इसमें, क्या शामिल होते हैं, जैसे कुछ औपचारिक संगठन, ठीक है, कुछ औपचारिक संगठन हो जाएंगे, या औपचारिक संगठन में क्या कहेंगे, माता पिता का कार्यस्थल, धार्मिक संस्थान, स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण केंद्र आदि सम्मिलित होते हैं। यदि माता पिता ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें अपने पारिवारिक देखरेख के लिए कम समय मिलता है तथा जहाँ उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है, तो इससे बालक का विकास, विशेषकर दैहिक विकास, सामाजिक सांवेगिक विकास एवं शैक्षिक विकास काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। बाह्य मंडल का प्रभाव अप्रत्यक्ष भी होता है, जैसे माता पिता के दोस्त और दूर के रिश्तेदार आदि एक दोस्ताना एवं मदद प्रदत्त परिस्थिति उत्पन्न करके बालक के विकास के ओ को अनुकूल ढंग से प्रभावित करते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए जो लिखा है वही समझा रही हूँ। इसमें क्या है, बाह्य मंडल यानी सामाजिक संदर्भ सोशल सेटिंग से बना होता है। उसका सोशल सेटिंग कैसा है, किसी बालक के जो माता पिता है तो उनका कार्यस्थल कैसा है, जो उनका कार्यस्थल होगा वो भी उनको इनडायरेक्टली प्रभावित करता है, ठीक है, अफेक्ट करता है। जो धार्मिक संस्थान होते हैं वो भी उनको इफेक्ट करते हैं। आसपास जो और भी औपचारिक संगठन होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं, जैसे स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, ये सारे जो हैं। ठीक, अगर किसी कारण से माता पिता ऐसी जगह पर कार्य करते हैं जहाँ उनको पारिवारिक देख के लिए कम समय मिलता है, बहुत ही कम समय, मतलब बच्चे की देखरेख के लिए उतना समय नहीं मिल पा रहा है, जहाँ उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो इससे क्या होता है, बच्चे के विकास को फर्क पड़ता है। मतलब उस पर क्या फर्क पड़ता है, तो उसका दैहिक विकास जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो इफेक्ट होता है, सामाजिक सांवेगिक विकास उसका सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट वो भी इफेक्ट करता है। देखिएगा वो उसका स्तर क्या होता है इमोशनल डेवलपमेंट का, बहुत जल्दी रो देंगे या फिर कुछ होगा, उनको एक इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल पाता, सोशल नहीं हो पाते लोगों से, एवं शैक्षिक विकास काफ़ी प्रभावित होता है, शैक्षणिक उनको पढ़ाई में भी वो उतने उत्तम नहीं हो पाते हैं। बाह्य मंडल का प्रभाव अप्रत्यक्ष भी होता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर स्वयं उपस्थित नहीं होता, इसलिए उसका प्रभाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जैसे माता पिता के दोस्त तथा दूर के रिश्तेदार आदि एक दोस्ताना या मदद प्रदान परिस्थिति प्रदान करके, कोई भी माता पिता के दोस्त होंगे या दूर के कोई रिश्तेदार होंगे, तो अगर वो लोग दोस्ताना व्यवहार करें या मदद की परिस्थिति उत्पन्न करके उनको कुछ करें, तो इससे भी बच्चे के माइंड को क्या होता है, एक मतलब अनुकूल ढंग से वो प्रभावित करता है, सही ढंग से प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका वृहद मंडल। क्या है ये आपका वृहद मंडल, गलत इसमें छप गया है, ये द है, द है ये वृहद मंडल, ठीक है, वृहद मंडल, वृहद मंडल, क्या वृहद मंडल, मैक्रो सिस्टम। इस सिद्धांत का यह सबसे बाहरी स्तर है, ठीक है, ये क्या है, सबसे बाहरी स्तर है, जिसमें सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक आर्थिक स्तर एवं अन्य संसाधन सम्मिलित होते हैं। इससे पहले क्या था, इससे पहले जिसमें हमने पढ़ा था मध्य मंडल में, उसमें क्या था, बच्चे का जो बच्चे को क्या इफेक्ट कर रहा था, उसके जो कार्यस्थल थे या आसपास के जो संगठन थे औपचारिक संगठन वो उसको प्रभावित कर रहा था। बट अब उसको क्या प्रभावित कर रहा है, सांस्कृतिक मूल्यों, जैसे सामाजिक क्या प्रथाएं, समाज में क्या प्रथाएं हैं,
सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है, ये सारी चीज़ें और जो अन्य संसाधन उसमें सम्मिलित होंगे वो सब चीज़ें इनको प्रभावित करेंगे। कैसे प्रभावित करेंगे? सांस्कृतिक मूल्यों, प्रथाओं, सामाजिक आर्थिक स्तर एवं अन्य संसाधनों का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। जैसे कुछ संस्कृति में, विशेषकर मुस्लिम संस्कृति में, पारंपरिक यौन भूमिकाओं पर बढ़ना, जैसे कि क्या होता है, देखिए जो हमारे सांस्कृतिक कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, सामाजिक प्रथाएं हैं, तो उसमें क्या होता है, एक हिंदू धर्म में देखिएगा भाई बहन का जो विवाह होता है वो वर्जित होता है, लेकिन जो मुस्लिम मुस्लिम जो उसमें होते हैं, मुस्लिम संस्कृति में, उसमें क्या होता है, खुद के भाई बहन को छोड़ के चाचा या किसी और से, चाचा या जो भी होंगे उनके भाई या बहनों से विवाह हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो हिंदू कल्चर में नहीं आता है, उनसे नहीं होता है, तो ये भी क्या होता है, वो उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें क्या है, उनका जो सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये भी उनको, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसी में और एग्जांपल दिया है, जबकि कुछ अन्य संस्कृति जैसे अमेजन संस्कृति में यौन भूमिकाओं अधिक विस्तृत एवं भिन्न प्रकृति की होती है, वहाँ की अलग प्रकृति की होती है। यही आप इंडिया में ही देखेंगे तो अलग अलग प्रकृति के मिलेंगे आपको, क्रिश्चियन में अलग मिलेगा, हिंदू में अलग मिलेगा, मुस्लिम में अलग मिलेगा, और जितने धर्म होंगे उनमें अलग अलग तरह के मिलेगा, ठीक है। उस आप यहीं पर रहेंगे तो उत्तर भारत में जाएंगे तो आपको वहाँ का कल्चर अलग मिलेगा, साउथ इंडियन साइड जाएंगे तो कल्चर अलग मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, उनको अफेक्ट करती हैं। उसी तरह से जिन बालकों का पालन पोषण निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर पर रहता है, ठीक है, निम्न मतलब निम्न एकदम निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर पर होता है, तो उनका विकास क्या होता है, उतना उत्तम नहीं हो पाता, ठीक है, उनका विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाता, लेकिन जिनका पालन पोषण उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर में होता है वे उत्तम होते हैं। क्या होते हैं? वे उत्तम होते हैं, ठीक है, उनकी तुलना में उत्तम होते हैं। नेक्स्ट है आपका घटक मंडल। क्या है घटक मंडल? क्रोनो सिस्टम। घटक मंडल में छात्रों के विकास की, वो क्या था आपका, बाहरी स्तर थे, ये उसके बाहर है घटक मंडल, ठीक है। घटक मंडल में छात्रों के विकास की सामाजिक ऐतिहासिक समस्याएं सम्मिलित होती हैं। ऐतिहासिक जो समस्याएं होती हैं वो क्या होती है, इसमें सम्मिलित होती है। उदाहरण के लिए आजकल के बालक ऐसे वातावरण से होकर गुजरते हैं जहां बहुत तरह की नई एवं अनोखी अनुभूतियां उन्हें प्राप्त होती हैं जिसका प्रभाव उनके विकास पर पड़ता है। ऐसे अनुभव प्राप्त करने वाले बालकों में मूल्य इन बालकों के मूल्यों से भिन्न होते हैं जिन्हें ऐसी अनुभूति न होकर पारंपरिक अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। इसमें क्या है, देखिए घटक मंडल, घटक यानी जो आसपास का आपका माहौल है, ठीक है, क्या घटक हैं, क्या फैक्टर्स हैं, वो आपको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, आप उसको कोई मोटिवेशन बुक देते हैं, जैसे महात्मा गांधी के बारे में बताते हैं या स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कोई बता रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो उनके माइंड को इफेक्ट करता है, ठीक है, वो उनके माइंड को इफेक्ट करता है। तो जब वो ऐसे वातावरण से गुजरते हैं तो उनको नया और अनोखा अनुभूति मिलता है, ठीक। आजकल बच्चों को सोशल मीडिया पे ही देख लीजिए, सोशल मीडिया पे जब वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो उनका विकास क्या है, थोड़ा जल्दी एडल्ट हो जा रहे हैं, उम्र से पहले एडल्ट हो जा रहे हैं, उनकी चीज़ें, उनकी सोच बदल जा रही है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, उनको अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है आपका इरेक्शन का मनोसामाजिक सिद्धांत। क्या है आपका? इरेक्शन का मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या है, इनका इरेक्शन का पूरा नाम क्या है, इरिक इरेक्शन का पूरा नाम है कि मूल अभिरुचि इस बात में थी कि बालकों, किशोरों आदि में व्यक्तिगत पहचान किस तरह से विकसित होता है। तो ये क्या है आपका, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछेगा कि बालकों, किशोरों आदि में जो व्यक्तिगत पहचान की किस तरह से विकसित होता है, कि जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, ठीक है, किसने उसका प्रतिपादन किया है, तो किसने किया, इरेक्शन ने किया है, विकसित होता है, और समाज उस पहचान को बनाने में किस तरह से मदद करता है। चूंकि ये इनका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन था, इरेक्शन का क्या था, क्वेश्चन था, चूंकि उनके सिद्धांतों में व्यक्तिगत, सांवेगिक तथा सांस्कृतिक योजक विकास को समन्वित करते थे। क्या करते थे, ये सारे तीनों फैक्टर जो हैं, व्यक्तिगत, पर्सनल, सांवेगिक, इमोशनल तथा सांस्कृतिक यानी कल्चरल जो थे, ये योजक यानी जोड़ने वाले थे उसको, विकास को, डेवलपमेंट में मिले जुड़े हुए हैं, ठीक है। अतः इस मनोसामाजिक सिद्धांत, इसे मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनोसामाजिक सिद्धांत। इस सिद्धांत में पूरी जीवन अवधि में होने वाले विकास की को 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन किया जाता है। अतः उनके इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या है, मैं समझा देती हूँ आपको। इसमें देखिए, जो इरेक्शन है, इरेक्शन जो अपने प्रतिपादक है इस सिद्धांत के, मनोसामाजिक सिद्धांत के, इनका, इन्होंने यह रिसर्च किया कि जो बालक है, ठीक है, बालक, किशोर जो भी हैं,
उनके अंदर कैसे व्यक्तिगत खुद की आइडेंटिटी के लिए कैसे मतलब किस तरीके से वो विकसित होता है, समाज में उनको पहचान चाहिए ये किस तरीके से उनके अंदर डेवलप्ड होता है और कैसे समाज उनको मदद करता है, तो इसके बारे में उन्होंने क्या किया है, अध्ययन किया है। तो उसी अध्ययन को इन्होंने 8 अवस्थाओं में डिवाइड किया है और उसी का वर्णन किया है। तो आइए इसकी जो 8 अवस्थाएँ हैं उसको पढ़ते हैं। पहला है हमारा विश्वास बनाम अविश्वास। क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें क्या है, यह क्या है, पहला चरण है इलेक्शन का, मनोसामाजिक का पहला चरण है, जिसका विश्वास, विश्वास यानी ट्रस्ट और अविश्वास यानी मिसट्रस्ट। तो बच्चे को कैसे विश्वास होता है और कैसे वो किस चीज़ को अविश्वास करता है, यह कब होता है इस पर देखा जाता है। ठीक है, जिसका जीवन के पहले वर्ष में अनुभव होता है। कब होता है? जीवन के पहले वर्ष में इसका अनुभव हो जाता है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन के फॉर्म में कि विश्वास या अविश्वास, ठीक है, का अनुभव हमें जीवन के किस वर्ष में होता है। तो हमें उसका क्या अनुभव होता है, जीवन के पहले वर्ष में हमें उसका अनुभव हो जाता है। विश्वास के अनुभव के लिए शारीरिक आराम, विश्वास के अनुभव के लिए शारीरिक आराम, कम से कम डर, भविष्य के प्रति कम से कम चिंता जैसी स्थितियों की आवश्यकता होती है। शारीरिक आराम, कम से कम डर, भविष्य के प्रति कम से कम चिंता जैसी स्थितियों की क्या होती है, उनको आवश्यकता होती है। ये उनको विश्वास मतलब किसी भी चीज़ को विश्वास करने के लिए सहायक होते हैं। बचपन में विश्वास के अनुभव से संसार के बारे में अच्छा और संसार में रहने के लिए एक अच्छी जगह है, ऐसे विचार उम्र भर के लिए विकसित हो जाते हैं। अगर हमें ऐसा विचार अनुभव नहीं हो पाया तो क्या होता है, हम मतलब ट्रस्ट नहीं कर पाते चीज़ों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वायत्तता बनाम सर्व, ऑटोनोमी वीएस सेम। इसमें क्या है, यह द्वितीय चरण है। ठीक है, इसमें कौन सा अवस्था, उसमें पहले वर्ष में होता है विश्वास बनाम, ठीक है, जीवन के पहले वर्ष में। ये क्या होता है, स्वायत्तता बनाम सर्व शैशवावस्था और बाल्यावस्था में के बीच में होता है। ठीक है, इस स्थिति में बच्चे आते हैं अपने पालक के प्रति, इसमें क्या होता है, उनमें अपने पालक के प्रति विश्वास होता है। ठीक है, और फिर वो खुद से ऐसा आविष्कार करते हैं कि बालक का व्यवहार उसका क्या है, स्वयं का व्यवहार है। जो बालक होता है उसको अपने जो उसके पेरेंट्स हैं उस पर विश्वास होता है, और खुद का जो उसका व्यवहार है वो उसका स्वयं का व्यवहार है, ऐसा उसको वो खुद से बनाता है उसको या आविष्कार करता है। वह अपने आप में स्वतंत्र और स्वायत्त होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है, इसे उसे अपनी इच्छा का अनुभव होता है। अगर बालक का अधिक बालक पर अधिक बंधन लगाया जाए, ठीक है, या कठोर दंड दिया जाए, तो उसके अंदर शर्म और संदेह की भावना विकसित होने होती है, विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, कोई भी बालक है, ठीक है, अगर शुरू से अगर उस पर जैसे विश्वास हो गया उसको, तो फिर वो उसको अपने क्या हो गया, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में, शैशवावस्था एक वर्ष के बीच का, ठीक है, 0 से 1 वर्ष के बीच में हमको उसको विश्वास का होता है। उसके बाद 1 से 3 वर्ष में क्या होता है, हमको इसका दूसरे चरण का, दूसरे चरण में हम आते हैं। तो दूसरे चरण में क्या होता है, पालक पे विश्वास होता है। इसके बाद वह अपने खुद आविष्कार करता है कि बालक जो उसका खुद का व्यवहार है वह स्वयं का है। इसके साथ वो क्या, स्वतंत्र और स्वायत्त होता है, तो उसे अपनी इच्छा का अनुभव होता है। अगर किसी बालक पर उसके इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, अधिक बंधन लगाया जा रहा है या उसको अगर वो कुछ कर रहा है तो उस पर बहुत कठोर दंड दिया जा रहा है गलती करने पर, तो उसके अंदर एक शर्म, गिल्टी फील होने लगता है, संदेह खुद में, मतलब एकदम खुद को सस्पेंस में रहेगा, खुद पे संदेह करेगा कि मैं ये सही कर रहा हूँ कि नहीं, कोई ये गलत तो नहीं है, ऐसा करके उसके अंदर क्या मतलब ये भावनाएं क्या हो जाती हैं, विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा मारना या डांटना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा बंधन भी लगाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पहल बनाम अपराध बोध। ये आपका लास्ट में है, ये यहाँ पे आएगा, बनाम अपराध बोध, पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है, इनिशिएटिव वीएस गिल्ट, यह कौन सा चरण है, यह तीसरा चरण है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रारंभिक वर्ष 1 से 3 हमने देख लिया, तो 3 से 5 वर्ष के बीच की अवस्था है इसमें। ठीक है, प्रारंभिक वर्ष के बीच यानी 3 से 5 वर्ष की अवस्था है। इसमें क्या होता है, बच्चा बाल्यावस्था में पहुँच जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब बच्चा 3 साल का जो बच्चा है वो पहले अभी घर में था, ठीक है, वो क्या था, घर में था, तो वह घर से जब बाहर निकलता है, अब क्या होता है, वो नर्सरी स्कूल में जाना शुरू कर देगा, ठीक है, या जो स्कूल से उसमें जाना शुरू कर देगा, तो उसको क्या होगा, शैशवावस्था की तुलना में, ठीक, शिशु जब वो था शैशवावस्था 3 साल की उम्र तक में जो उसको था, उससे उसको क्या होगा, अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे एक सक्रिय और प्रयोजनपूर्ण व्यवहार की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस उम्र में बच्चों को उनके शरीर
उनके व्यवहार, उनके खिलौने और पालतू पशुओं के बारे में ध्यान देने को कहा जाता है। इस उम्र में बच्चों को देखिए जनरली क्या, उनके शरीर के, उनके व्यवहार के, उनको खिलौने पसंद होते हैं, पालतू जानवर है तो पालतू जानवर पसंद होते हैं, ये सब चीज़ों में क्या होता है ध्यान देने को उनको कहा जाता है। जिम्मेदारी की भावना के विकास के साथ बालक के पहल करने की क्षमता में वृद्धि होती है। अगर किसी बालक में इसी टाइम पीरियड पे, ठीक है, अगर उनको थोड़ा जिम्मेदारी की भावना का एहसास होता है या विकास हो रहा है, तो उनमें जो पहले से किसी चीज़ को करने का या किसी चीज़ को बात को रखने का उनकी क्षमता में क्या होती है, उनके अंदर वृद्धि होती है। अगर बालक और जिम्मेदार है और उसे बार बार व्यग्र किया जाए तो उसके अंदर अपराध बोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसके अंदर क्या होता है, एक अपराध बोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। कोई भी बालक अगर जिम्मेदार है और उसे अब बार बार और चीज़ों के लिए बोल रहे हो कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एक अपराध बोध की भावना उत्पन्न होने लगती है। ये बालकों में ही उत्पन्न होती है जो बड़े होने तक, ठीक है, ये बड़े होने तक बनी रहती है। इसीलिए बालकों को बहुत ज़्यादा भी किसी भी चीज़ के लिए टोका टाकी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। इरेक्शन का इस चरण का के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। उनका यह मानना है कि अधिकांश अपराध बोध की भावनाओं के तुरंत ही उपलब्धि की भावना द्वारा हो जाती है, ठीक है। जो अधिकांश अपराध बोध की भावना है उसको क्या होता है, वो तुरंत जो उपलब्धि हुआ उसी भावना के साथ उसके समाप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया है, हो द्वारा की जा सकती है, ठीक है, एक गलत टाइप हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा परिश्रम बनाम हीन भावना, इंडस्ट्री वीएस इन्फीरियोरिटी। इसमें क्या है, ये कौन सा चरण है, चौथा चरण है। परिश्रम यानी क्या होगा आपका, मेहनत, ठीक है, और हीन भावना से ग्रसित, इसके बारे में देखेंगे। तो हमने 5 वर्ष तक का देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, बाल्यावस्था के मध्य की अवस्था, जिसमें क्या है 6 से 12 वर्ष का जो में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बालक द्वारा की गई पहल से वह नए अनुभवों के संपर्क में आता है। पिछले में क्या था, बालक एक नए एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक है। इसमें क्या था आपका, बालक प्रीवियस में कि बड़े समाज में अचानक से क्या होता है, वो बड़े समाज में जाता है। अभी क्या होता है, वो जब वो बड़े समाज में जाता है उसके आगे वो नए अनुभवों के संपर्क में भी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। थोड़ा जब वो बड़ा होता है तो और नए उसको अनुभव मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे वो बचपन के मध्य और अंत तक पहुँचता है, ठीक है, बचपन के मध्य और अंत तक पहुँचता है, तब वो अपनी ऊर्जा को बौद्धिक कौशल और ज्ञान से हासिल करने की दिशा में मोड़ देता है। देखिएगा, बच्चों के अंदर जो होते हैं 6 से 12 वर्ष के बच्चे, अगर उनको सही दिशा मिला तो वो क्या होते हैं, अपने जो कौशल है, ठीक है, बुद्धि को जो उसमें ज्ञान अर्जित करने की ओर मोड़ देते हैं। बाल्यावस्था के अंतिम चरण में जब कल्पनाशीलता से भरा होता है, वह समय बालक के सीखने के प्रति और जिज्ञासा का सबसे अच्छा समय माना जाता है। मतलब जो बाल्यावस्था का जो अंतिम चरण होता है, लगभग वही 11 से 12 वर्ष का जो अंतिम चरण होता है, तो इस समय क्या होता है, बच्चा जो होता है कल्पना करना शुरू कर देता है। तो उस समय जो बालक को जो सीखने का जो जिज्ञासा है वो उसका बहुत अच्छा समय होता है, ये इन्होंने बताया। इस आयु में बालक के अंदर हीन भावना, अपने आप को अयोग्य और असमर्थ समझने की भावना विकसित होने की संभावना भी रहती है। यही वह उम्र है जिसमें बालक जो है हीन भावना से ग्रसित हो सकता है, ठीक है, अपने आप को अयोग्य या असमर्थ समझने की भावना। इरेक्शन का मानना है कि बालक में उद्यम विकास की जिम्मेदारी शिक्षक की है। बालक के अंदर जो परिश्रम करने की, जो भावना को विकसित करने की जिम्मेदारी किसकी है, शिक्षक की है। शिक्षकों को स्नेह परंतु दृढ़ता के साथ बालकों में यह भावना विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। स्नेह और दृढ़ता, मतलब प्रेम से और दृढ़ संकल्प करके उनको इस भावना का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। जिन लक्ष्यों के बारे में नहीं सोच सकता उसे भी वह पूरा कर सकता है, और उन्हें यह बताना चाहिए कि वह जिन लक्ष्यों के बारे में नहीं सोच पा रहा है या नहीं सोच सकता है वह उन्हें भी पूरा करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है पहचान बनाम पहचान भ्रांति, आइडेंटिटी वीएस कन्फ्यूजन। इसमें क्या है, यह 5वां सिद्धांत है। कौन सी कितना सिद्धांत है, 5वें नंबर का। इसमें क्या है, 12 वर्ष की अवधि तक तो हमने देख लिया, यह क्या होता है 12 से 18 वर्ष का अवधि होता है। इसमें क्या होता है, एक पहचान बनाने का एज होता है ना, तो इसके बारे में देखते हैं। यह किशोरावस्था की अवस्था है, कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था की अवस्था, मैंने पढ़ाया है इसको। इस अवस्था में किशोरों में यह जानने की प्राथमिकता बनी होती है कि वह कौन है, किस लिए हैं, वह कौन है, किस लिए हैं, और वे अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं, ये क्वेश्चन फॉर्म होता है, ठीक है। ये इरेक्शन का पहचान बनाम पहचान भ्रांति का क्वेश्चन फॉर्म है। तो इसमें इन्होंने क्या क्या है, इसको क्या क्या इन्होंने पहचान की संज्ञा दी है। किशोर में बहुत सारी नई भूमिकाएं करनी होती, इस उम्र में क्या होता है, किशोरों को बहुत सारी नई भूमिकाएं करनी होती है। एवं वयस्क स्थिति, एडल्ट स्टेज में क्या होता है, उसको निभाना पड़ता है, ठीक है।
नई सारी बहुत सारी नई भूमिकाएं भी सीखते हैं और उनको निभाना भी पड़ता है। एक स्वस्थ पहचान बनाए रखने के लिए किशोरों को भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न राहों का अन्वेषण करना पड़ता है। इस एज में आपने देखा होगा कि उनको अपने कैरियर ओरिएंटेड, ठीक है, अपना पहचान बनाए रखने के लिए अलग अलग राह में, हर बच्चा अलग अलग राह में जाके उस पर एनालिसिस करता है, उसकी ओर आगे बढ़ता है। अगर किसी कारण से किशोर भिन्न भिन्न भूमिकाओं का अन्वेषण नहीं कर पाते और एक भविष्य का रास्ता नहीं निश्चित कर पाते तो वे अपनी पहचान के बारे में संभ्रांति कन्फ्यूजन की स्थिति में हो जाते हैं। अगर बाय द वे कोई बच्चा, ठीक है, उसे एक रास्ता, उसको एक उसका एम डिसाइड नहीं हो पाया, ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन की स्थिति में होता है कि उसकी खुद की पहचान क्या होगी, वो क्या होगा, इस पर उसको कन्फ्यूजन होता है। जब पहचान बनाम संभ्रांति के संकट का ही समाधान कर लेते हैं, जब वो बच्चा अपना पहचान बनाम संभ्रांति का जो क्या जो कहा गया उसके संकट का समाधान कर लेता है, तो उसमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण क्या होता है, उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहा जाता है, कर्तव्य प्रेरणा की संज्ञा दी जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि जब वो इस कन्फ्यूजन से निकल जाता है तो उसे एक जो उसमें जो विशेष मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है उसको क्या कहता है, कर्तव्य प्रेरणा कहा जाता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप किशोर छात्रों में समाज के नियमों और आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की उन्मुखता बढ़ जाती है। किशोर छात्रों में क्या होता है, समाज के नियम, इस एज में देखिएगा समाज के नियम कानून और उनके आदर्श के अनुरूप क्या करते हैं, वो लोग व्यवहार करना शुरू कर देते हैं या फिर उनके और उनका झुकाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका आत्मीयता बनाम अलगाव। यह कौन सा चरण है, इरेक्शन का छठा चरण है, जिसका अनुभव युवावस्था के प्रारंभिक वर्षों, युवावस्था के प्रारंभिक कौन से वर्ष, 20 से 30 वर्ष में होता है। आत्मीयता बनाम अलगाव की इंटीमेसी वीएस आइसोलेशन, इसमें क्या होता है, यह व्यक्ति के पास दूसरों से आत्मीय संबंध स्थापित करने का विकासात्मक मानक होता है। व्यक्ति खुद के साथ साथ उसको एक लाइफ पार्टनर, इसमें आप आत्मीयता किससे होता है, किसी लाइफ पार्टनर, ठीक है, लाइफ पार्टनर या कोई ऐसा फ्रेंड आपका, एक क्लोज फ्रेंड होगा जिससे क्लोज फ्रेंड यानी मतलब जो घनिष्ठ संबंध होगा उसके अंदर क्या होता है, आपका आत्मीयता का जो संबंध होता है वो स्थापित करने का यह जो एज है एक विकासात्मक है, ठीक है, विकासात्मक मानक एज है, ठीक है। इरेक्शन ने आत्मीयता को परिभाषित करते हुए कहा कि आत्मीयता स्वयं को खोजना है। आत्मीयता का क्या अर्थ है, स्वयं को खोजना, ठीक है, जिसमें स्वयं को किसी और व्यक्ति में खोजना पड़ता है। व्यक्ति को किसी के साथ स्वस्थ मित्रता विकसित हो जाती है और एक आत्मीय संबंध बन जाता है। व्यक्ति का इस टाइम पर क्या होता है, किसी के साथ एक स्वस्थ जो मित्रता, मतलब आपने देखा होगा हेल्दी रिलेशनशिप जैसा भी हो, रिलेशनशिप एक विकसित हो जाता है और वह उसके साथ आत्मीय संबंध बन जाता है। अगर वो रिलेशनशिप बाय द वे हेल्दी नहीं हो पाया, इनहेल्दी हुआ, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, वह अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। और अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप हो गया तो उसके अंदर उसके लिए लगाव की भावना उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है आपका जननात्मकता बनाम स्थिरता, जनरेटिविटी वीएस स्टैग्नेशन। यह कौन सा अवस्था है, आपका सातवां अवस्था है। किस एज के लिए है, 40 से 50 वर्ष की आयु के लिए है, ठीक है। इसे मध्य वयस्कावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति जननात्मकता का भाव उत्पन्न होता है। इस अवस्था में व्यक्ति को क्या होता है, जननात्मकता का भाव उत्पन्न होता है। जननात्मकता से तात्पर्य अगली पीढ़ी में कुछ धनात्मक चीज़ों को अंतरित करने से होता है। अगली पीढ़ी में क्या होगा, कुछ धनात्मक चीज़ों को उन लोगों को अंतरित करने से होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जननात्मकता से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए जिससे वे लोग रहेंगे को उन्नत बनाने की चिंता से होता है। इस एज में क्या होता है, देखिए थोड़े विस्तृत अर्थ में जननात्मकता में उत्पादकता एवं सृजनात्मकता भी सम्मिलित होती है। इस एज में क्या होते हैं, जो जनरली जितने भी लोग होते हैं चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, वो क्या होते हैं, पेरेंट्स बन चुके होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स बन चुके होते हैं या दूसरों के बच्चे होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, एक जननात्मकता मतलब पेरेंट्स वाली जो फीलिंग होती है वो आ चुकी होती है और उनकी लाइफ में एक स्थिरता भी आ जाती है, ठीक, क्योंकि 30 तक का जो लाइफ है वो एक 40 तक की जो लाइफ वो स्ट्रगल से भरा होता है, तो 40 से 50 तक की लाइफ में क्या होता है, स्थिरता आ जाता है उनके अंदर। तो उस टाइम पे क्या होते हैं, जो उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो उनके सही एक विचार हैं, ठीक, जो उन्होंने गलतियाँ की हैं सही विचार है, वो आगे की पीढ़ी में उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, उसी को बताना चाहते हैं। वही इसमें लिखा हुआ है, शिक्षक जो अपने छात्रों एवं, इसमें आगे लिखा है, शिक्षक जो अपने छात्रों एवं उनकी उचित शिक्षा दीक्षा के बारे में सचमुच में चिंता दिखलाते हैं, वे जननात्मकता का उदाहरण है। ऐसे आपने टीचर्स को देखा होगा कि कुछ टीचर्स होते हैं जो हमको गाइड करते हैं कि ऐसे पढ़ो ऐसे करो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, जननात्मकता के उनको वो एक एग्जांपल है। जब व्यक्ति में जननात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती, एक एक स्टेज में भी बताया है कि जिनके अंदर जननात्मकता की चिंता नहीं उत्पन्न होती है
उसमें इससे उसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, स्थिरता, वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, उनको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति में यह भाव उत्पन्न होता है कि वह अपनी पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं कर सके। ठीक है, उनके अंदर से ये भावना उत्पन्न होती है कि हम पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर सके। यह एक तरह की आत्मतल्लीनता की स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं सुख सुविधा ही सर्वोपरि होता है। ठीक है, उस टाइम पे क्या व्यक्ति की आवश्यकताएं और सुख सुविधा पर सर्वोपरि होता है। जब व्यक्ति जनात्मकता बनाम स्थिरता के संकट का समाधान ठीक से कर लेता है तो उसमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे इरिक्सन ने देखभाल की संज्ञा दी है। इसमें व्यक्ति दूसरों के कल्याण की चिंता अधिक दिखलाता है। क्या करता है, वह दूसरों के कल्याण की चिंता अधिक दिखलाता है। नेक्स्ट है हमारा संपूर्णता बनाम निराशा, ये आपका नेक्स्ट है। ठीक है, लास्ट है ये आपका, इसके आगे जो रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। संपूर्णता बनाम निराशा, इसमें क्या है, इंटीग्रिटी वीएस डिसअपीयर। ठीक, इसके कौन सा चरण है, आठवां और अंतिम चरण है जो कि वृद्धावस्था 60 के ऊपर में अनुभव होता है। तो संपूर्णता मतलब समझ रहे होंगे कि जिनको अपने लाइफ में उन्होंने कुछ किया ऐसा करके उनको एहसास हो रहा है तो वो गिल्ट फील नहीं कर रहे हैं, और किसी कुछ लोगों को अपनी लाइफ में रिग्रेट होता है कि हम ये नहीं कर पाए, ऐसा नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसी को निराशा कहा गया है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इस चरण में व्यक्ति अपने अतीत को टुकड़ों में या एक साथ याद करता है। व्यक्ति क्या होता है, जो 60 साल से ऊपर का की उम्र के जो व्यक्ति हो जाते हैं, जनरली रिटायरमेंट का एज हो जाता है उनका, रिटायर हो जाता है, या तो वो अपने बिजनेस से रिटायर हो जाएंगे या गवर्नमेंट जॉब या जिस भी चीज़ से वो रिटायर हो जाते हैं, उनका जो अवस्था होता है वृद्धावस्था में शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, तो कुछ करने में सक्षम नहीं होते। तो इस टाइम पर उनके पास क्या होता है, बहुत समय होता है। तो ये वो क्या करते हैं, इस टाइम पे अपने आप को अकेला अनुभव करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, उनको अपने अतीत की क्या होता है, याद सताता है, याद आता है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में याद करते हैं या एक साथ याद करते हैं, और एक सकारात्मक निष्कर्ष निकलता है। जब वो याद करते हैं तो एक सकारात्मक निष्कर्ष निकलता है कि फिर या फिर बीते हुए जीवन के बारे में असंतुष्टि भरी, सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा या नकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा। सकारात्मक में क्या होगा कि हाँ, हमने जो किया है पर्याप्त था, और जिनको असंतुष्टि होगा उनके लिए क्या होगा, नकारात्मक में क्या होगा कि हमने जीवन के बारे में मतलब पर्याप्त नहीं किया जो किया। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के वृद्ध लोगों में अपने बीते हुए जीवन के विभिन्न चरणों के बारे में एक सकारात्मक सोच विकसित होती है। कुछ जो वृद्ध हैं, ठीक है, जो वृद्ध होते हैं, बहुत सारे वृद्धों में क्या होता है, एक सकारात्मक सोच विकसित होता है, और बहुत सारे वृद्धों में क्या होता है, उनमें असंतोष की भावना होती है। क्या होते हैं, असंतोष की भावना होता है। ठीक, तो जिनमें सकारात्मक सोच होता है, सोच की भावना, उसमें संपूर्णता की भावना का उनको अनुभव होता है, और वो संतोष अनुभव करके सुखी हो जाते हैं। ठीक है, कि उन्होंने एक अच्छा खासा जीवन अपना व्यतीत कर लिया। लेकिन जिनके अंदर सकारात्मक विचार नहीं बन पाते हैं, नकारात्मक विचार बनते हैं, उनको क्या होता है, उनको होता है अपनी लाइफ में निराशा हो जाता है, उदासी की भावना घर कर जाती है, और वो निराश हो जाते हैं। जैसे बहुत वृद्ध देखिएगा कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और वो निराश रहते हैं। तो इसी में बताया गया आपका संपूर्णता बनाम निराश, मतलब ये वृद्धावस्था से रिलेटेड है। ये आपका आज का लास्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू।